I'm a bad cop. The film is being dubbed in Tamil and Telugu. And yes, I did approach Rajni sir. Rajni sir loved the film. He really loved the film. I'm a bad cop. दोस्तों, रजनीकांत की नई फिल्म कूली जल्दी ही रिलीज होने वाली है। 2025 में ये फिल्म रिलीज होगी और इस फिल्म को लेके फैंस में एक्साइटमेंट है। It is a very historic event. And definitely I am congratulate the director. Thank you. इस फिल्म को लोकेश कंगराज डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कि मास्टर, कैथी और विक्रम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। मेरे हिसाब से रजनी साहब सुपरस्टार नहीं है, मेरे हिसाब से रजनी साहब पूरे गैलेक्सी हैं। रजनीकांत ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कूली एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी और ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। कन्नड़ा सुपरस्टार उपेंद्रा और तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुना को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और तकरीबन 30 साल के बाद रजनीकांत और आमिर खान एक साथ पर्दे पे दिखेंगे। Yes, I did approach Rajni sir. Rajni sir loved the film. He really loved the film. And after discussing with him, आमिर और रजनी की जोड़ी पर्दे पे धूम मचाएगी और कूली एक पैन इंडिया फिल्म बनने वाली है। रजनीकांत और आमिर खान को एक साथ देखने के लिए लोग काफी उत्साहित लग रहे हैं। ये डायरेक्टर लोकेश कंगराज का ही आइडिया है कि वो रजनीकांत और आमिर खान को एक साथ पर्दे पर लाना चाहते हैं। सब लोगों को अब यही उम्मीद है कि रजनीकांत और आमिर खान की जोड़ी पर्दे पे कमाल दिखाए। कूली फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेगी। थैंक यू।